न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान टीम बेहतर खेलते हुए 297 रन का मजमूआ खड़ा करने में कामयाब हो गई। साबिक कप्तान अजहर अली बदकिस्मती से सेंचुरी मुकम्मल न कर पाए। कप्तान रिजवान ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाई। फहीम अशरफ ने एक बार फिर दिखाया कि उसे 5 रोजा क्रिकेट की काफी समझ है। पाकिस्तान के एक नए नौजवान जफर गोहर को टेस्ट कैप दी गई और उसने भी अपने इंतखाब से इंसाफ करने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज शान मसूद 0, आबद अली 25, हारिस सहेल 1 और पहले मैच के सेंचुरी मेकर फवाद आलम सिर्फ 2 रन से बेबसी से पवेलियन लौट चुके थे। जफर गोहर ने ऐसे वक्त में 34 रन की कारामद इनिंग्स का हिस्सा डालकर शायकीन क्रिकेट को नवीद सुनाई है कि पाकिस्तान का नौजवान टैलेंट बासलाहियत है। 25 साल जफर गोहर की असली ताकत तो उनकी उल्टे हाथ की स्पिन गेंदबाजी है, लेकिन वो बल्ले से काम लेना भी जानता है। पिछले सीजन में सेंट्रल पंजाब के लिए खेलते हुए वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाया था। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले जफर गोहर ने 2015 में इंग्लिस्तान के खिलाफ एक वनडे इंटरनेशनल खेला। 40 फर्स्ट क्लास मैचों में 21.66 की औसत से 1083 रन, 1 सेंचुरी और 5 नसीब सेंचुरियां जफर के मजमुए का हिस्सा है। जफर ने 28.56 की औसत से 144 विकेटें भी हासिल कर रखी हैं। PSL में वो यूनाइटेड के लिए खेलते हैं। क्राइस्टचर्च टेस्ट में पाकिस्तान की 297 रन की बारी में सबसे बड़ा हिस्सा साबिक कप्तान अजहर अली का रहा, जिन्होंने बेखौफ बल्लेबाजी की और 12 चौकों की मदद से 93 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उनकी कप्तान रिजवान के साथ 5वीं विकेट के लिए 88 रन की अच्छी पार्टनरशिप लगी। रिजवान ने 11 चौकों की मदद से 61 रन बनाए। फहीम अशरफ बदकिस्मती से 2 रन की कमी के बायस निसब सेंचुरी ना बना पाए। एक अच्छा मुस्तकबिल जफर गोहर और उस जैसे बासलाहियत नौजवानों का मुंतजर है।